हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज अपने सामने खड़ी है HF डीलक्स का किक स्टार्ट मॉडल। दोस्तों, अगर आपका बजट भी टाइट है और आप कम कीमत में माइलेज वाली बाइक लेना चाहते हो तो हीरो की तरफ से आने वाली HF डीलक्स के किक स्टार्ट मॉडल के साथ आप जा सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं इस बाइक की आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसकी न्यू ऑन रोड प्राइस आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये जो कलर आपके सामने खड़ा है ये है ब्लैक विथ स्पोर्टी रेड कलर। इस वाले मॉडल की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 60,438 रुपीज़ देखने को मिल जाती है, वहीं ऑन रोड प्राइस इसकी प्रयागराज में 76,800 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। ये कंप्लीट ऑन रोड प्राइस है इस बाइक की। बात करते हैं बाइक के फ्रंट की, तो फ्रंट फाइजर आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक कलर में मिल जाएगा। इस पे आपको हीरो का 3D लोगो मिल जाता है। क्योंकि ये कम कीमत की बाइक है तो इसमें उसी हिसाब से आपको फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। हेडलैम्प आपको यहाँ पे हेलोजन के देखने को मिल जाएंगे एंड वाइजर पे आपको कोई भी ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अलॉय व्हील्स आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं एंड फ्रंट टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 275/18 क्रॉस सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं। मड गार्ड पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी साइड आते हो तो 130mm के फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं एंड इसके ब्रेक वायर्स आपको दो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको आप CBS भी बोल सकते हो, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एंड फ्रंट सस्पेंशन का कलर आपको यहाँ ब्लैक में मिल जाता है, जो कि पहले सिल्वर में आता था। एंड इस साइड भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं इंडिकेटर आपको यहाँ पे हैलोजन के नॉन फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं। बाइक के साइड में आते हो तो टैंक पर आपको हीरो के स्टिकर मिल जाता है, साथ ही आपको ग्रे एंड रेड कलर के ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। वहीं नीचे के साइड आते हो तो यूटिलिटी बॉक्स पे आपको प्रोग्राम्ड FI का भी स्टिकर मिल जाता है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 97.2 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OHC इंजन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम पावर आपको 8.02 PS देखने को मिलेगी 8000 RPM पे एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 8.05 Nm देखने को मिलेगा 6000 RPM पे। तो पावर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये किक स्टार्ट मॉडल है तो इसलिए आपको यहाँ पे किक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप सेल्फ वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर मोटर देखने को मिल जाएगी। साइड पैनल पे आते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको HF डीलक्स के स्टिकर के साथ रेड एंड ग्रे कलर के ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट मफलर आपको इस बाइक में ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा एंड फुटरेस्ट आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको 2-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं। वहीं बाइक के रियर प्रोफाइल में आते हो तो रियर में आपको हैलोजन टेल लैम्प मिल जाते हैं, पीछे आपको हीरो का स्टिकर भी मिल जाता है। मड गार्ड पे आपको रिफ्लेक्टर के साथ नंबर प्लेट की जगह भी मिल जाएगी। वहीं इंडिकेटर्स आपको यहाँ भी हैलोजन के ही देखने को मिलते हैं, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। रियर टायर की बात करें तो इसमें आपको C8 के सिक्योरा जूम ट्यूब टायर देखने को मिलते हैं। टायर साइज आपको 275/18 क्रॉस सेक्शन ही मिलता है। सारी गार्ड का डिजाइन आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। वहीं चेन कवर आपको यहाँ पे फाइबर के मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। ओवरऑल क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 4-speed कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इंजन कट ऑफ सेंसर भी इसमें ऐड हो चुका है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफी अच्छा फीचर है। सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट मिल जाएगी एंड कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए। ग्रैब रेल आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर में मिलती है। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 9.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। माइलेज आपको 65 से 70 KMPL के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज है। मीटर की बात करें तो इसमें आपको फुली एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर के साथ साइड स्टैंड की लाइट मिल जाती है, वहीं राइट साइड में आपको एनालॉग फ्यूल मीटर के साथ न्यूट्रल माल फंक्शन एंड डीपर लाइट देखने को मिल जाएगी। की के बगल में आपको इंडिकेटर के सिग्नल मिल जाएंगे। बस दोस्तों इसमें आपको इतने फीचर देखने को मिलते हैं। स्विचेस की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच ही मिलता है, वहीं राइट साइड में आपको कोई भी स्विच देखने को नहीं मिलेगा। इस बाइक में आपको 805mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस 165mm का देखने को मिलेगा। वहीं किक स्टार्ट वेरिएंट का वेट आपको 110 kg देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये बाइक काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।